हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे हमारे एब्डोमिनल मसल्स की अटैचमेंट्स के ऊपर कि इनकी ये कहाँ कहाँ अटैच होती है। ओके, तो ये है हमारी थर्ड वीडियो एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पूरा का पूरा चार्ट कि एब्डोमिनल मसल्स कौन कौन सी होती है और उनको हम कैसे याद करें। सेकेंड वीडियो में बताया था हमने इन सारी की सारी एब्डोमिनल मसल्स की नर्व सप्लाई कि बेसिकली कौन सी मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, एंड इस वीडियो में बताएंगे अटैचमेंट्स। ओके, तो देखिए हम जो इनके अटैचमेंट बताएंगे वो इनके बताएंगे ओनली एक पार्ट के, मतलब कि आपको पता होगा कोई मसल होती है उसके टू अटैचमेंट होते हैं, एक होता है ओरिजिन एक होता है इंसर्शन। तो देखिए दोनों में से हम ओनली आपको इस वीडियो में एक ही पार्ट बताएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात देखते हैं एक्सटर्नल, पहले बात करते हैं सबसे पहले हम इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट कहाँ होता है? हिप बोन पे। देखिए मतलब दो चीज़ें होती है, एक होता है इलियक क्रेस्ट एक होता है प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, तो दोनों से ही ये सारी मसल्स मतलब कुछ मसल्स अटैच होती हैं, इलियक क्रेस्ट से भी होगी और प्यूबिक क्रेस्ट से भी होगी। ओके, तो देखिए एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक एंड उसके अलावा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये तीनों के तीनों मसल्स कहाँ अटैच होती है? हिप बोन में। ये तीनों मसल्स हमारे हिप बोन में अटैच होगी इलियक क्रेस्ट से। ओके, तो आईसी मतलब क्या है? इलियक क्रेस्ट, तो ये भी इलियक क्रेस्ट से अटैच होगी, ये भी इलियक क्रेस्ट से अटैच होगी, ये भी इलियक क्रेस्ट से अटैचमेंट होगी। ओके, देखिए अगर आपको एग्जाम में एग्जामिनर हिप बोन देता है तो देखिए इलियक क्रेस्ट के अटैचमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हिप बोन दी तो पक्का है कुछ ना कुछ मतलब पक्का है आपसे एग्जामिनर इलियक क्रेस्ट आईसी के अटैचमेंट्स जरूर पूछेगा। ओके, तो ऊपर की तीनों मसल्स जो कि थ्री फ्रेट मसल्स है वो ऑल थ्री आर अटैच टू इलियक क्रेस्ट। उसके अलावा एक और मसल होती है जो होती है हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम, ये भी हमारी अटैच होती है इलियक क्रेस्ट से, तो ये भी अटैच होगी इलियक क्रेस्ट से। ओके, यानी कि आईसी यानी इलियक क्रेस्ट, यहाँ पे आईसी मतलब इलियक क्रेस्ट। ओके, टोटल फोर मसल्स हो गई। फोर मसल्स कौन सी? एक हो गई हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम, एक हो गई ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एक हो गई इंटरनल ओब्लिक मसल एंड एक हो गई एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। तो दीज फोर मसल्स, ये चारों मसल्स, तीन तो ये एक ही है, ये चारों मसल्स अटैच होती है हमारे इलियक क्रेस्ट से। ओके, ये हो गया। अभी देखिए प्यूबिक क्रेस्ट की भी बात करेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम फीमर पे। जो फीमर का होता है लेसर ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर, आपने पढ़ा होगा फीमर के अपर एंड में दो होते हैं, लेसर ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली लेसर ट्रोकेंटर की, क्योंकि यहाँ पे दो मसल्स हैं जो कि हमारे लेसर ट्रोकेंटर और फीमर से अटैच होती हैं। अब वो दो मसल्स कौन सी हैं? तो देखिए सबसे पहली मसल है हमारे पास इलियकस और सेकेंड मसल है श्वास मेजर। ओके, तो श्वास मेजर एंड इलियकस बोथ आर अटैच टू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। ओके, लेसर ट्रोकेंटर कहाँ पे होता है? फीमर में। लेसर ट्रोकेंटर और फीमर पे दो मसल्स अटैच होती है। ओके, देखिए लेसर ट्रोकेंटर के अटैचमेंट दो मसल्स हैं, तो लेसर ट्रोकेंटर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इसका एपेक्स पार्ट होगा एक होगा इसका बेस पार्ट। ओके, तो बेसिकली जो श्वास मेजर होती है ये अटैच होती है एपेक्स पे, एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। ओके, तो श्वास मेजर दिस इज अटैच टू एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर एंड इलियकस दिस इज अटैच टू बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, ये अटैच होती है बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिए श्वास मेजर दिस इज अटैच टू एपेक्स एंड इलियकस दिस इज अटैच टू बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। ओके, तो लेसर ट्रोकेंटर के एपेक्स और बेस पे दो मसल्स अटैच है, एपेक्स पे मेजर बेस पे इलियकस, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम श्वास माइनर। अब बेसिकली श्वास माइनर ये कहाँ अटैच होती हैं? तो देखिए श्वास माइनर अटैच होती है हमारे, आपने अगर पढ़ा हो प्यूबिस पार्ट ऑफ हिप बोन के थ्री पार्ट होते हैं ना, इलियम इशियम प्यूबिस। इलियक क्रेस्ट तो कहाँ था? इलियक क्रेस्ट था, इलियम पार्ट ऑफ हिप बोन, और बेसिकली श्वास माइनर अटैच होती है प्यूबिस पे भी। कहाँ पे? प्यूबिस की पेक्टिनियल लाइन पे। अब वो क्या होती हैं? तो देखिए अब हम आपको बताएंगे, हमने हिप बोन में आपको बता दिया था पूरा डिटेल से कि व्हाट इज द पेक्टिनियल लाइन। तो देखिए हम थोड़ा यहाँ पे एकदम ओवरव्यू बता देते हैं आपको कि कहाँ कहाँ मतलब कैसे हम वहाँ जाएँ। हम बात कर रहे हैं श्वास माइनर की, ये कहाँ अटैच होती है। ओके, तो देखिए आपने पढ़ा होगा प्यूबिस,
हिप बोन में प्यूबिस पढ़ा होगा, ओके। प्यूबिस में आपने पढ़ा होगा, प्यूबिस की होती है क्या होती है, थ्री सरफेस, ओके। सॉरी हम प्यूबिस, सॉरी सॉरी प्यूबिस को हम थ्री पार्ट में पढ़ते हैं। थ्री पार्ट कौन से, इसका सुपीरियर रेमस, बॉडी पार्ट एंड रेमस, ओके। तो हम प्यूबिस को थ्री पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। थ्री पार्ट कौन से, एक होगा सुपीरियर रेमस, एक होगा इसका बॉडी पार्ट, एक होता है इसका इन्फीरियर रेमस, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं ओनली सुपीरियर रेमस की। तो प्यूबिस का सुपीरियर रेमस, ओके, प्यूबिस के सुपीरियर रेमस पे आते हैं। अब देखिए सुपीरियर रेमस के थ्री बॉर्डर होते हैं, एक होगा सुपीरियर रेमस के थ्री बॉर्डर होते हैं। थ्री बॉर्डर कौन से, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर, एक होता है एंटीरियर। तो सुपीरियर रेमस के भी हम बात कर रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर की, सुपीरियर रेमस के भी सुपीरियर बॉर्डर की, ओके। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्यूबिस को हम थ्री पार्ट में पढ़ते हैं, इन्फीरियर रेमस, सुपीरियर रेमस एंड बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी ऑफ प्यूबिस, यहाँ पे क्या होता है इन्फीरियर रेमस हमारा। देखिए प्यूबिस पे एक सेपरेट वीडियो है, ऑल बोन्स ऑफ बॉडी नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको पूरी हिप बोन मिल जाएगी एकदम चार्ट वाइज कि हिप बोन को कैसे पढ़े चार्ट के थ्रू, मतलब हिप बोन के लिए चार्ट कैसे बनाएं ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल हिप बोन याद हो जाए, ओके। सुपीरियर रेमस के थ्री, सुपीरियर रेमस में होता है थ्री बॉर्डर, हम बात कर रहे हैं ओनली सुपीरियर बॉर्डर की। और देखिए जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसी का ही दूसरा नाम होता है पेक्टिनियल लाइन, या तो आप सुपीरियर बॉर्डर बोल दीजिए या बोल दीजिए पेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनी मतलब यूँ बोल दीजिए सुपीरियर बॉर्डर पे क्या होती है पेक्टिनियल लाइन प्रेजेंट होती है, ओके। और जो पेक्टिनियल लाइन है इस पे अटैच होती है हमारी श्वास माइनर, ओके। तो श्वास माइनर कहाँ अटैच होती है, पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, ओके। और उसी के साथ साथ ये अटैच होती है हमारे इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे, पेक्टिनियल लाइन प्लस इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ये भी आपको कहाँ मिलता है हिप बोन में। देखिए हमारे हिप बोन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको पूरी हिप बोन मिल जाएगी और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि इलियो प्यूबिक एमिनेंस क्या होता है। तो इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ओके, तो इन दो जगह से पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस एंड इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इन दोनों जगह से अटैच होती है हमारी श्वास माइनर, ओके। तो देखिए हमने पूरी की पूरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल का मसल्स का अटैचमेंट पढ़ लिया। श्वास मेजर दिस इज अटैच टू एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर, श्वास माइनर दिस इज अटैच टू पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस एंड इलियो प्यूबिक एमिनेंस ऑफ, इलियो प्यूबिक एमिनेंस ऑफ हिप बोन, ओके। इलियकस दिस इज अटैच टू बेस ऑफ लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, क्वाड्रेटस लंबोरम दिस इज अटैच टू इलियक क्रेस्ट, ओके। उसके बाद आते हैं, अब हमारे यहाँ पे दो मसल्स छूट रही है, दो मसल्स कौन सी, एक हमारे बच रही है रेक्टस एब्डोमिनिस, एक बच रही है पायरिमिडेलिस, ओके, पिरामिडेलिस, ओके। देखिए पिरामिडेलिस ये आपको हर बंदे में नहीं मिलती है क्योंकि ये क्या होती है वेस्टिजियल होती है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस के अटैचमेंट्स की, देन बात करेंगे पायरिमिडेलिस की, ओके। तो देखिए रेक्टस एब्डोमिनिस ये अटैच होती है तीन जगह से, मतलब इसके लिए आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। तीन पॉइंट्स कौन से, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने जो इस वीडियो में सारे के सारे अटैचमेंट बताए हैं मैंने सारी मसल्स के ओनली वन एंड के अटैचमेंट बताए हैं, मतलब कि जो सारी मसल्स हैं वो हिप बोन में कहाँ अटैच होगी या फिर फीमर में कहाँ अटैच होगी, ओनली एक साइड के अटैचमेंट बताए हैं मैंने, ऊपर वाले अटैचमेंट्स इनके नहीं बताए हैं कि बेसिकली रिप्स में कहाँ अटैच है, वर्टिब्रा में कहाँ अटैच होती है, वो अटैचमेंट्स नहीं बताए हैं मैंने। वन साइड के अटैचमेंट्स ओनली या तो हिप बोन के बताए हैं या फिर बताए हैं कि फीमर में कहाँ अटैच है, ओके। देन रेक्टस एब्डोमिनिस इसके अटैचमेंट, इसके एक साइड के अटैचमेंट के लिए आपको तीन पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तीन पॉइंट कौन से, एक होगा हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, तीनों प्यूबिक, ओके। तो क्या क्या, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके। तो इन तीनों जगह से कहाँ, कौन कौन सी जगह, प्यूबिक ट्यूबरकल, देखिए तीनों अलग अलग चीज़ है, प्यूबिक ट्यूबरकल अलग चीज़ हो। देखिए आपने अगर हिप बोन का प्यूबिक वाला पार्ट पढ़ा हो तो वो ये तीनों चीज़ें वहीं मिलती हैं, ओके। प्यूबिक ट्यूबरकल क्या होता है, कुछ नहीं, एक ट्यूबरकल टाइप का होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं, जैसे इलियक क्रेस्ट होता है वैसे ही क्या होता है, प्यूबिक क्रेस्ट होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन तीनों जगह से अटैच होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का नीचे वाला पार्ट। देखिए जो बंदा जाता है ना जिम में, बंदे जिम में जाते हैं तो जिम के जो सिक्स पैक एप्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं, इसी मसल्स को बोलते हैं एप्स,
एप्स बनाना मतलब हम रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके। एप्स मतलब रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की एक्सरसाइज करना, इसे ही हम बोलते हैं एप्स, ओके। देन आते हैं पायरिमिडलिस। बेसिकली इसके लिए आपको टू पॉइंट्स याद रखने हैं कि बेसिकली इसका पहली बात तो ये वेस्टिजियल होती है, हर बंदे में नहीं मिलेगी। उसके अलावा पायरिमिडलिस इसके अटैचमेंट के लिए दो पॉइंट याद रखने हैं। टू पॉइंट्स कौन से हैं? ये अटैच होती हैं, इसका अटैचमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज अटैच टू किसका, पायरिमिडलिस में, पायरिमिडलिस मसल का अटैचमेंट यहाँ लिख रहा हूँ। कौन कौन सा? बॉडी ऑफ प्यूबिस पार्ट ऑफ हिप बोन होता है उसका। देखिए प्यूबिस को हमने बोला ना यहाँ पे, देखिए प्यूबिस को हमने थ्री पार्ट में पढ़ा था, इन्फीरियर हेमस, सुपीरियर हेमस, बॉडी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट की, बॉडी पार्ट ऑफ प्यूबिस की, ओके। तो देखिए बॉडी ऑफ प्यूबिस में भी कहाँ अटैच होती हैं? बॉडी ऑफ प्यूबिस की भी एंटीरियर सरफेस पे, ओके। तो दिस इज अटैच टू बॉडी ऑफ प्यूबिस की एंटीरियर सरफेस पे, ओके। तो बॉडी ऑफ प्यूबिस एंटीरियर सरफेस। एंड देन एक पॉइंट और, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ओके, तो इन दो जगह से बॉडी ऑफ प्यूबिस की एंटीरियर सरफेस एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस, इन दोनों से अटैच होती है हमारी कौन? पायरिमिडलिस मसल का नीचे वाला पार्ट, लोअर एंड, ओके। तो देखिए सारों के अटैचमेंट पढ़ ली है। थ्री फ्लैट मसल्स, तीनों के तीनों अटैच टू इलियक क्रेस्ट, रेक्टस एब्डोमिनिस कहाँ अटैच होती है? प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, पायरिमिडलिस। दिस इज अटैच टू बॉडी ऑफ प्यूबिस का एंटीरियर सरफेस। एंड देखिए बॉडी ऑफ प्यूबिस की थ्री सरफेस, बॉडी ऑफ प्यूबिस की थ्री सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस, ओके। तो ओनली एंटीरियर सरफेस से अटैच होती है एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस से। देन श्वास मेजर अटैच टू एपेक्स ऑफ लेसल ट्रोकेंटर, श्वास माइनर दिस इज अटैच टू पेक्टिनल लाइन एंड इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियकस दिस इज अटैच टू बेस ऑफ लेसल ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, क्वाड्रेटस लंबोरम दिस इज अटैच टू इलियक क्रेस्ट, ओके। देखिए मैं इस पूरे चार्ट को वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप एक साथ देख लेना। और मैं इस चार्ट को फेसबुक पेज पे भी अपलोड करूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे फेसबुक पेज का, तो वहाँ जाके आप पूरा चार्ट जो भी मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है इसे डाउनलोड कर सकते हैं।